हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हर नमूना प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड पावर्ड बाय माइको। आज पीएसएल 9 के दो बड़े अहम मैचेस खेले गए। सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है लाहौर की हार पे चीख चीख के, लेकिन दो मैच खेले गए लाहौर वर्सेस किसका भाई बताऊं ना मरियम, हाँ लाहौर वर्सेस पेशावर और मुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स। वहां से मुल्तान जीत गए, यहाँ से जीत गए पेशावर वाले। रजाक भाई मैच पे हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन एचएमएच का पहले खेलेंगे, मगर लाहौर की हार पे जरा रोशनी डालिए। कंसिस्टेंटली हारते चले जा रहे हैं, क्यों? देखे इन्होंने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, ये अगेंस्ट किया है लाहौर कलंदर ने। किसने किया फैसला? लाहौर कलंदर ने, कप्तान आकिब जावेद ने। आकिब जावेद ने, ठीक है। आपने मेरा नाम नहीं ले लिया, आप क्यों नहीं ले पाते शाहीन का नाम? क्या चीज आपको रोके? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए मिस्टेक होती है। लाहौर की पिचों पे इनको चाहिए था कि पहले बैटिंग करते, मुल्तान में टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते। ये मिस्टेक हुई है, 211 रन बहुत मिस्टेक हो जाती है, बाबर से जानबूझ के एक मोमेंटम बना हुआ है हारने का, ये चेंज करना पड़ेगा। अभी हो सकता है सेकंड लैंग में जाके, हो सकता है कराची या पिंडी में अच्छा खेलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस्मान भाई, आपका ताल्लुक कराची से है, इस वक्त आप लाहौर वालों के सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाहौर की परफॉर्मेंस बिल्कुल कराची जैसी लग रही है। देख के बोलना, देख के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हिम्मत ना हारे, अभी रहते हैं मैचेस, आधे मैचेस रहते हैं, ये सारे जीत के भी लाहौर क्वालिफाई कर सकता है, बस सपोर्ट करते रहना है। क्या ख्याल है? शोर मचाएंगे अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया बॉलर्स को, अपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, जो और ज्यादा सिकंदर रजा को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि वो एक मेन बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि इस छोटी छोटी जो गलतियां ना, वही रीजन है लाहौर की हार का। बिग हिटर्स है वो भी बहुत लेट आ रहे हैं। मेन ये है कि इनके बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे और फील्डिंग इनको सपोर्ट नहीं कर रही, बाकी सब सही चल रहा है। पेशावर जीत गई और पेशावर की आप रिप्रेजेंट भी कर रही है, आप पेशावर की जीत से खुश हैं? माशाल्लाह, हेरा हेरा पेशावर को सपोर्ट कर रही है। आज हेरा वो वाला क्राउड से रिस्पांस नहीं आ रहा है जो लाहौर भी हारा है ना अगेंस्ट, देखें किसने हारा ना। तो वक्त आ चुका है एचएमएच कप खेलने का। आज मुकाबला है रजाक भाई वर्सेस मरियम, यानी इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा। इस्लामाबाद को सपोर्ट हासिल है कराची की और क्वेटा को सपोर्ट हासिल है पेशावर की, और कायनात यानी मुल्तान सुल्तान आज है जैक यानी बीच की बिल्ली। लेकिन उससे पहले लाहौर के ऊपर कुछ मीम्स बनी हुई हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं लाहौर कलंदर्स के ऊपर। दिखाइए बेटा, सब आगे जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स। अगला साहिम अयूब ने 55 बॉलों पे 88 रन, 88 रन बनाए, तो लाहौर कलंदर साहिम अयूब लाहौर कलंदर के बॉलर पे और कुट लगा रहे हैं बेसिकली। आगे लगाइए, तुम्हारी टीम मैच जीती है। हाँ, सब टीम्स एटलीस्ट एक मैच जीती है, जीत हर टीम को नहीं मिलती है। और आखिरी आखिरी दिखाओ मालिक, जब सबको दो दो पॉइंट्स दिए ही हैं तो क्यों ना अपने बॉबी भाई को भी दे दें। बहुत आला, बहुत वाह वाह, जवानी की तस्वीर भी भाई, ये सच बोलिएगा शादी की एल्बम की तस्वीर है? नहीं नहीं, दो साल पहले की है। दो साल पहले शादी? मैं नहीं मानती, जब से मैं इस प्रोग्राम में शुरू हुआ ना, मेरा बुरा हाल हो गया। ये दुनिया इजाद होने से दो साल पहले। वक्त आ चुका है आपके मैच खेलने का, एचएमएच कप पहला राउंड है 360 डिग्रीज। कायनात चेंज ये है कि आप सिर्फ जीतेंगी तभी +10 या -10 करा सकती हैं अपने पॉइंट्स का, जो जिसको भी करा। हार के नहीं, हार के नहीं। पहला राउंड है 360 डिग्रीज, एस्टिमेटेड आंसर्स देने, यानी करीब तरीन जिसका होगा वो जीत जाएगा, बजर राउंड नहीं है। दिखाइए पहला सवाल, साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक किस तारीख को रिटायर हुए? अंदाजन नहीं, ईयर बताना है या एग्जैक्ट डेट? डेट, फुल डेट। डेट या मंथ या ईयर कर देना भाई, आप बोलो 1 जनवरी 2001 जो करीब तरीन होगी वो जीत जाएगा। आप इतना बहस क्यों करते हैं मुझसे? एक बीमार आदमी है उसके साथ। मरियम जल्दी बताएं, जल्दी वो उनसे पहले पूछे, वो क्रिकेटर है यार। नहीं उनको नहीं बताना, वो बता दो कुछ बता दो। 2017 फर्स्ट में 2017 लेबर डे वाले दिन, आप बताएं भाई। सेकंड मई 2018 2018 एक साल पूरा बड़ा है। दिखाओ बेटा सही सही जवाब मरियम, अब एक सेकंड मत दिखाना मत। हाँ भाई कायनात, सितंबर 2018 सितंबर 2018 डेट 2016 सितंबर 2016 16 सितंबर 2016 दिखाओ बेटा, 6 अप्रैल 2017 मरियम ने फीस +10 वेरी गुड। एक बात मैं कहना चाहती हूँ,
एक बात बताइए, आपको क्रिकेट के बारे में कुछ भी पता है? मुझे पता है, मैंने आपसे हारना है। इनको बस वो पता है, साउथ अफ्रीका। अगला देखो। सोना सोना क्या है अगला सवाल बेटा? बस इसी पे रहेंगे। जिराफ की जुबान कितनी लंबी होती है? जराफे की जुबान, रजाक भाई आपको पता है कितनी लंबी होती है? मीटर से बताना। अंदाजा लगाइए। मीटर में? इंच से बताना, इंच से। उसने पहले बताया, उसने पहले मेरे साथ घुमसम रखी है, बताओ तो सही। खेल आप रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी गेम खेलने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ आइडिया भी, सपोर्ट सिर्फ पकड़ के रखने का नाम नहीं है, कुछ बताना है। बताना भी, मैं भी सोच रही हूँ ना। बोलो कितनी लंबी जुबान तुम्हारी? इंचेस में बताना। ओह सॉरी, जराफे की। अच्छा अच्छा, कितनी? पहले उधर से हाँ, पहले हमने दिया था उधर से। उन्होंने मरियम नफीस, छह इंच। आपको मीटर में सोच रखी है जुबान, वो यू लपेट के निकलता है सुबह। दो फीट, दो फीट लंबी जुबान। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? 24 इंच यार, हम ये चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, नहीं ये कोई बात नहीं हुई। हाँ चेंज करना चाह रहे हैं, 24 इंच चेंज। नहीं नहीं, हम चेंज करना चाह रहे हैं, ये करें चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि मान लो यार। हाँ जी कर लो। कितना लो ये चेंज? अब गलत हुआ तो फिर मेरे ऊपर नहीं लाना यार। ये कोई बात नहीं हुई कि हम कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर से आप दोबारा चेंज कर लेना यार। आप बोलो नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो बस यही 24 इंच पक्का देख लिया, मुझे बोलना नहीं अगर गलत हुआ। 10 इंच? नहीं नहीं नहीं, 3 फुट। 3 फुट है यानी आप ये खड़ा हुआ है जराफा? नहीं नहीं नहीं, तुम लटक रही है। 10 इंच? नहीं नहीं नहीं, चेंज 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 लंबी जुबानों के लंबी जुबानों की एक्सपर्ट। अगला देखो, अगला देखो, अगला सवाल। अम्मू हाजी नामी शख्स के पास सबसे ज्यादा दिन ना नहाने का रिकॉर्ड है, वो कितने दिन का है? अम्मू कौन है? एक अम्मू हाजी है जो जिंदगी भर इतना गलीज। हाँ बहुत गलीज मरियम, उन्होंने बताया। अच्छा बंदा देख लो, बंदा देख लो, देखो बेटा ये है अम्मू हाजी। लेकिन ग्रेस, ग्रेस है इसमें, बताओ जी। अम्मू हाजी नामी शख्स के पास सबसे ज्यादा दिन ना लगता है वो इन लड़कों से नहीं मिले, ठीक है? 15 साल? 15 साल 15 days? 15 years? 15 साल से नहीं नहाया रजाक भाई। मैं तो 20 साल से नहीं नहाया। 10 साल से नहीं नहाया, दिखाओ भाई वो कितने साल से नहीं नहाया। 60 साल से नहीं नहाया वो रजाक भाई। It takes one to know one. सवाल आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, बजर दबा के सही जवाब देना है, जिसका सही जवाब होगा प्लस 10, गलत जवाब पे माइनस। दिखाओ भाई, जुनूबी कोरिया का वजीर आजम कौन है? हुन दसो, दसो। आपने दबाया, आप एक नाम पढ़ लो सही से, मैं दे दूंगा नंबर। जंगकॉक। आप नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो। आप नहीं पढ़ो, आप पढ़ोगे शो सेंसर हो जाएगा। हंडक्सु, यूसुक यो, फोमुक्षिडा और जंगकू। मुझे हंडक्सो है, हंडक्सो, हंडक्सु। चैलेंज करना चाहेगा कोई मेरा भाई? हमें नहीं पता, कोई चैलेंज नहीं, पास करना पसंद है, पास जाने देंगे। सही जवाब है 100। 20 नंबर दो, नहीं नहीं मैंने वो ही बोला था, जंगकुक का भी। जंगकुक कौन है? आपने कहा था बोल दो मैं नंबर दे दूंगा। नहीं मैंने कहा 10 देना, 10 उसके, 10 10 नंबर, 10 उसके। नहीं 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 नहीं, आपने जबान दी, जंगकुक तो बहुत आसान, जबान दी आपने। हां वो पढ़ो, वो पढ़ो सेकंड वाला। नहीं मैंने, आपने आपने आप सेकंड वाला पढ़ो। हां जी, योन सू योल। चलो 10 और दो, 10 और दो। अच्छा 10 तो दे दिए ना अभी, 10 नहीं, 20 20 करो ना। करता हूं मैं, करता हूं। अगला दिखाओ बेटा,
किस मुल्क की फौज सबसे छोटी है? मैंने बैल बजाई, कट भी नहीं नंबर में। हाँ मैंने बजाई, बताओ ना। अच्छा वाह, वैटिकन सिटी है शायद। सिर्फ बजर दबा दो, बजर दबा दो। 130 लोगों की फौज है। किसकी? 130 लोगों की फौज है बस। 130 मोनाको, मोनाको। हाँ भाई, वैटिकन सिटी, वैटिकन सिटी। इसको चैलेंज है, वैटिकन सिटी। सही है, सही जवाब का है, वैटिकन सिटी। माइनस टेन बोला था कि नहीं? नहीं ये बोला था मैंने। ज्यादा बोलो कान में जरा, माइनस टेन दिखाओ बेटा। अरे इनमें से कौन सा मुल्क यूरोप में है ही नहीं? क्या लिखा है ये? चेचिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। रजाक भाई अब आप लास्ट वाला पढ़ लो। ये आप तो नहीं पढ़ा जा रहा। अभी भाई क्या है सही जवाब? इसमें से कौन सा मुल्क, आपने बजर दबाया, जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी। कौन सा है जो यूरोप में नहीं है? यूरोप में नहीं है। आप हर बार बजर क्यों दबा देते हैं? आपको पहला वाला है चेचनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मकाओ। अच्छा ये बता दो, लेस्टेंसिन है कहाँ? कहा है तो जवाब हो जाएगा ना। वेरी यूरोप में नहीं है। आखिरी वाला ही मुश्किल सा लग रहा है। जो इसका जवाब देगा 20 पॉइंट पे, जो इसका आपने बजर दबाया आपको नहीं मिलेगा। अच्छा इनके अलावा कायना तुम्हारा जा क्या रहा है? आप पार्टिसिपेट तो करो। आप ठीक है, ठीक है, ओके मारो। सही है। हाँ रजाक भाई, गिनना नहीं आबादी। फोर्थ, चैलेंज कर दो। क्या बोला इन्होंने? थर्ड कौन सा? मकाओ, मकाओ। हाँ अभी मकाओ का है मैंने, तो मैं छोड़ दो। कायनात ने मकाओ का है, अभी मकाओ का होगी। मैंने कहा है मकाओ। ठीक है दिखाओ बेटा, मकाओ इज द राइट आंसर। रजाक भाई फोर्थ ऑप्शन तो लगी यूरोपियन कंट्री रही है। कायनात बदर दबा के अब बता। अगला सवाल, ये शेर किस शायर ने कहा है? वो आए घर में खुदा की कुदरत है, बता दिया रजी भाई ने, दबा दिया। कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते सेकंड नंबर पे, कायनात ने फर्स्ट पे ही है। यार ये बहुत मशहूर शेर है, मतलब बहुत मशहूर शेर है ये। मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। आप भाई चैलेंज कायनात, मुझे लग रहा है गालिब का। जल्दी से गालिब, गालिब का शेर है ये। जाने दे रहे, सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। कायनात इनके माइनस 10 हो गए, आपके प्लस 10 है। आप इन्हें प्लस 10 भी दे सकती हैं, माइनस 10 भी, इन दोनों में से किसी को। यहाँ पे तो माइनस 10। अरे वाह, माइनस 10 करा दिए मरियम कायनात ने, वेरी गुड। आप बैलेंस करना है। अब आगे अगला राउंड, माइको प्रेजेंट्स ईगल आए, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ए बी एस सी। दिखाओ बेटा, बताते क्यों नहीं मुझे, बताओ। मैं बोलती हूँ, आप पहले मरियम ने दबाया है। चलो भाईजान, जब जवाब आता नहीं तो बजर बजाते क्यों तुम लोग? नहीं ना, वो तो देखते भी नहीं है और जवाब बजर दबाते हैं। मैं बता दूं? नहीं वो बताएंगे जल्दी। बताओ जी, बताओ। आपने बजर दबाया ही नहीं है। मैंने दबाया। सी सी कायनात, सी सी कायनात, फिर कैंसिल। हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ ए कायनात, बी कह रही है और आप ए, ए दिखाओ बेटा। बी इज द राइट आंसर। प्लस 10 टू कायनात इम्तियाज, माइनस 10, माइनस 10। प्लस क्या? प्लस 10, प्लस 10 भाई। वाह 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 वाह, देखा जा रहा है भेदभाव क्रिकेटर्स के दरमियान यूनिटी। चलो ये चाहिए भी कौन को। अगला दिखाओ, सी बी ए अरसलान नसीर, उनका हुआ है ना। अब आपने गलत नहीं बताना, बजर नहीं दबाना। क्या? मैंने बोला ना, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। ए ए मेरे मुंह से निकला है, वो तो ए कह रहे हैं। बस ठीक है छोड़ दो, फिर छोड़ दिया। दिखाओ बेटा सही आंसर क्या है। सी इज द राइट आंसर, माइनस 10। काम नहीं आया वो 10 नंबर जो दिए थे, कोई काम नहीं आया। अगला दिखाओ, फ्री हिट है, एक एक करके आपने नंबर सेलेक्ट करने, जो होगा वो आपने जवाब देना है। रजाक भाई आप पहले खेलेंगे, दिखाओ बेटा नंबर्स। नंबर दसो, थ्री, नंबर थ्री दिखाओ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के नाम बताइए। मोबाइल, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, स्ट्रेटनर, आयरन कर्लर, लैम्प, ट्यूबलाइट, बल्ब, स्विच। नहीं कितने हो गए? स्विच इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बेसिकली। सात हो गए, सात हुए, और माशाल्लाह से आपने तो पूरा ब्यूटी पार्लर ही खोल दिया। वाह वाह वेरी गुड, सात। अब वक्त आया है मरियम नफीस का।
एक नंबर, इंडिया के शहरों के नाम बताइए। मुंबई, जयपुर, दिल्ली, गोवा, आगरा, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात, कलकत्ता, श्रीनगर, श्रीनगर, सात हो गए। श्रीनगर तो आजाद कश्मीर का है, आजाद कश्मीर का। वहां पर यार खुदा आ गए वास्ते भाई, वहां पर सात हुए भाई, गिन रहे मेरी उंगलियां पूरी। आगरा गिना था अभी, आगरा भी, आगरा सात आपके, सात आपके, कायनात आ जाए, साथ खेलेंगे। टू टू रह गए। पहले स्टार्ट, ऑफिस में देर पहुंचने के बहाने गाड़ी पंचर हो गई, तबीयत खराब थी, किसी का इंतकाल हो गया। अरे किसी का क्या, तीन चार बोलती, नाना का, दादा का, मामा का, खाला का हो गया, दादी का इंतकाल हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया। ओ अल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंचेंगे कि अम्मी का इंतकाल हो गया। पांच पांच पॉइंट के चक्करों में कितनों को मार दिया। वो बोलेंगे यहां क्या कर रहे हो, अगर इंतकाल हो गया। सर में दर्द का काई नहीं, सर पेट में दर्द था। आपके हो गए 50 पॉइंट, 50 पॉइंट। अब आप क्या करेंगे इसका? ओके, इंसाफ करना, इंसाफ इंसाफ, आधे आधे बांटो, 25-25। वेरी गुड, 25 आपके, 25 आपके, शुक्रिया। अगला दिखाओ, सही है। वक्त आ चुका है, अब क्या होगा खेलने का, ऑडियंस से ही पूछ लेंगे, ठीक है। वक्त आ चुका है, अब क्या होगा, बजर रजाक भाई देख के दबाए, इस दफा थोड़ी चेंजेस हैं। गोल होगा या नहीं होगा ये बताना, गोल होगा, गोल गोल दिखाओ बेटा, गोल। कायनात ने दबाया, जिनको लगता है होगा वो तालियां बजाए, होगा होगा, जिनको लगता है नहीं होगा वो तालियां, बराबर है। मरियम नहीं दे रही जवाब, दिखाओ बेटा, होगा होगा, वापस लग गया गोल, गोल काफी गोल था, काफी गोल। अगला दिखाओ बेटा, अगली दफा अगला भी गोल या नो गोल है, दिखाओ। कायनात ने पहले दबाया है, कोई चैलेंज करना चाहता है साथ साथ अभी कर दे। गोल गोल, कायनात ने कहा गोल, गोल है, गोल है। अब रजाक भाई गोल नहीं हुआ तो आप दोनों के माइनस होंगे। दिखाओ बेटा, हो गया, दिखाओ, मुझे दे देना पॉइंट्स अगर ना हो तो। नो गोल, मुझे दे देना, लगा कि इधर ऑडियंस बोल रही है, ऑडियंस सही बोलती है। -10 -10। अगला दिखाओ, मतलब बीमार का मजाक नहीं उड़ो, बीमार बद्दुआ लगेगी। अगला दिखाओ, आउट या नॉट आउट, आउट लग रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉट आउट, 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 कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जवाब है एक ब्रेक, खवातीन का वक्त है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, यार लो बड़ा कहीं नहीं जाएगा। खवातीन हजरात, थैंक यू, वेलकम बैक टू हार नामा नए, प्रेजेंट बाय आईसीआई ड्यूलक्स स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड पावर्ड बाय माइको। खेल रहे हैं हार नामा नए कप यानी एचएमएच कप। जवाब देखना था कि आप क्या होगा, आउट है या नॉट आउट, आपने कहा नॉट आउट। जवाब देखेंगे, कोई चैलेंज करना चाह रहा है, कोई कहना चाह रहा है ये आउट है, मैंने कहा आउट है। कायनात आपने कहा आउट है, बजर दबाए हैं, नॉट आउट है, नॉट आउट है, वो तो उन्होंने कह दिया ना यार, ये कौन सी बड़ी बात है, दिखाओ। अरे नॉट आउट, वो जीत गए ना आप, तो हार गए, वेरी गुड। अब वक्त आ चुका है, अरे बाबड़ा अब वक्त आ चुका है बटन बंद करने का, ऑडियंस का वक्त आ चुका है, इनसे सवाल देंगे, इनके जवाब देंगे। सबसे पहले किसके पास है सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज कायनात रहीम। कायनात रहीम, कायनात आप कहाँ से आई? सर मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अरे माशाल्लाह, और क्या करती हैं कायनात? सर मैंने बीएस माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है ठीक। अभी यस, वेरी गुड। सवाल सर मेरा क्वेश्चन सर रजाक से है कि सर जो मुल्तान सुल्तान के अभी जो मुल्तान सुल्तान टीम के जो प्लेयर हैं मोहम्मद अली, तो सर वो पीएसएल मैच में तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं डेफिनेटली देखें, अभी सेंट्रल पंजाब से जब मैं हेड कोच था इसको हम लेके आए थे और इसको वन डे भी खिलाए हमने, फोर डे भी खिलाए,
काफ़ी इम्प्रूव किया इसने, और इस PSL में अलग टफ है कंडीशन बॉलर के लिए, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको भारत ट्रॉफी जगह पे चांस देना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, कई कई जगह पोस्ट देखी है कि मोहम्मद अली को इंटरनेशनल ना खिलाएं, उनके लिए नुकसान देगा, क्यों कह रहे हैं लोग? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं चल रही है मार्केट में बात चल रही है। इनको ना ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाना चाहिए था, ये मिस्टेक हुई। आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि इनका बॉल भी बहुत अच्छा स्विंग कर रहा है, अच्छा राइज कर रहा है, डेफिनेटली चांस देना चाहिए, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए फास्ट बॉलर्स की। सही बात, और हारिस रूफ की वजह से स्पेस भी एक क्रिएट हुई है। ठीक है, अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई, क्या नाम है आपका? सर नुमान साहब। नुमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूं। हारिस भाई, ओ ताबिश भाई से पूछे, दो शादी तो नहीं की? नहीं नहीं, क्यों? नुमान सैफ की जैसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो है नहीं, अरे यार रज़ाक भाई बैठे तो नुमान भाई, मैंने ये भी सुन रखा है कि आपकी अभी अभी कल परसों में शादी हुई है। जी, परसों शादी हुई है और आज आप यहाँ बैठे। जी जी, ऐसे ही। वाह, ये देखो, ये परसों ही निकले थे, परसों ही निकले थे। तो भैया अभी तक कैसी फील हुई? बहुत अच्छा, जबरदस्त। तीन दिन हुए अभी, आप इसे बात कर सकते हैं? जी। अच्छा, उनके पास अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं ये? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा इन्होंने क्या दिया? मुंह दिखाई में क्या दिया? अपना ही मुंह दिखा दिया या कुछ दिया भी? नेकलेस सेट वाले सवाल हैं। नेकलेस सेट, नेकलेस टाइप, नेकलेस सेट। अच्छा, नेकलेस सेट दे दिया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से काम करते हैं। जी, टीचिंग, टीचिंग करते हैं माशाल्लाह से। सुना भाभी नाराज भी हैं? जी ऐसे ही है। क्यों? कल का दिन भी लाहौर कलंदर्स का मैच था और मैंने इन्हें टाइम देने के बजाय मैच को टाइम दिया, और आज भी लाहौर कलंदर्स का मैच था और फिर मैंने लाहौर कलंदर्स को टाइम दिया। बेटा आप बदकिस्मती से दोनों दिन मैच हार गए। मैच को बढ़ गया तो हारेंगे। अब इनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं कि ये किसी को टाइम दे। भाभी आप ये क्या कर रही हो? लड़का ऐसे आजाद छोड़ा हुआ है आपने, इतनी अच्छी आपने हील्स पहनी हुई है, इनको सिर्फ चलने के काम लाएंगी आप? लड़का, हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मुझे यकीन आ गया, अब आप तीसरी बार कहेंगे तो झूठ लगेगा। बहरहाल अल्लाह आपकी जिंदगी मुबारक करे, इसी तरह चलते रहे भाईजान, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और टाइम दो यार, यही टाइम होता है देने का। जी, बाहर घूम रहे, आपके दोस्त भी आए हुए यहाँ पर? हाँ जी, ऐसे ही है। दोस्त, इनके दोस्त हैं? तालियां बजाएं मेरे भाई। अगले दो महीने तक ये आए भी तो वापस भेज देना यार, घर पे टाइम गुजारो यार आप। ठीक है भाभी, ऐसे हल्का नहीं छोड़ना इन्हें। हाँ, अगला कौन है? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जान, आपकी भी शादी हुई है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप खाली आए हो? क्या नाम है आपका? मंजर आखिम। मंजर क्या करते? मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, वो सवाल पूछेंगे। जी जी, सोलर कैलेंडर में जो जितने भी मंथ हैं 30 या 31 डेज हैं, उनके सिर्फ फेब के 28 क्यों हैं? से जाके पूछो, मैं क्यों बताऊंगा? इनको कंटेंट टीम में डाल। भाई जान कोई है? रजाक भाई पूछ रहे, सारे महीने 30-31 दिन के होते हैं, फरवरी थोड़ा छोटा सा है, क्यों? कोई आइडिया नहीं है? जैसे रूल है, रूल है। नहीं नहीं, जैसे फिंगर, आप पांच फिंगर हैं, अब ये देखना, एक छोटी एक बड़ी, ये छोटी इस तरह करके, तो क्यों है ये तो नहीं मैं कह सकता। रजाक बेटा इसलिए है क्योंकि 365 दिन पूरे कर रहे हैं ना, तो किसी एक महीने से निकाल लेते दिन। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुझे तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है? बता दे, बताओ, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने तेरे दिन घटाए हैं। क्या बात है, ये आपने खुद लिखा है? ये आपने खुद लिखा है? नहीं नहीं, मेरा अपना नहीं है। अब भी अच्छा नहीं। अगला दो, कोई बात नहीं, खुद भी छोटे से हैं फरवरी जैसे प्यारे से। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सनाउल्ला हाशमी। सनाउल्ला क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट, सवाल पूछेंगे आप या इलाज करके चले जाए? सर नहीं, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि जब भी अली जफर PSL का एंथम गाते हैं तो लाहौर कलंदर की पुरानी परफॉर्मेंस क्यों वापस आ जाती है? बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उस्मान भाई आप बताएं, इस पे क्या आप विशेष टिप्पणी देंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, ये अब अली जफर नाम है, म्यूजिक की इतनी नॉलेज है, अली जफर भाई कुछ मेरे ख्याल से कुछ होंगे, कुछ उनका चुनौती कुछ होगा क्या? रजाक भाई ऐसा क्यों? अली जफर जब भी अच्छा एंथम गाते हैं, जब भी गाते हैं अच्छा एंथम होता है, मगर लाहौर कलंदर हारना शुरू हो जाती है। ये अच्छा कनेक्शन निकाला लड़के ने? नहीं, ये रीजन नहीं है। वो इतना अच्छा होता है प्लेयर नाचते रह जाते हैं। हाँ, ये अच्छा, ये अच्छा। नहीं, रीजन नहीं है। क्या है फिर? लाहौर को चाहिए सदका देना चाहिए। सदका देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रीजन शाइनी कैप्टेंसी हो सकता है?
नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता, ये दुनिया में सब हो सकता है। अली जफर का वो गाना गाना हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं आखिर तक ये पूछता रहूंगा क्यों, आप जवाब देना बेटा। आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। सिकंदर क्या करते हैं आप? सर जी बच्चों को तंग करता हूँ छोटे छोटे। क्यों बेटा? सर जी अच्छा लगता है बस, वैसे ही बच्चों को तंग करना जी बहुत लगे रहो इसमें। हाँ। इसमें नाम बनाओ सर जी, बच्चा बच ना पाए। नहीं सर जी बच्चे नहीं चाहते। कोई सवाल? सर जी मैं कहना चाहूंगा कि जो शाहीन अफरीदी हैं आजकल उनकी जैसी परफॉर्मेंस है तो लोग उन पर बड़ा ट्रोल करते हैं, उनको ट्रोलिंग उन पर करते हैं, तो उनकी जो पहले दो सीजन में पहले जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है उन पर फिर उनको अच्छा कहते हैं, जब उन पर कोई बुरा वक्त आता है फिर उन पर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। तो अब जब उन पर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं तो उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। बताओ। कि किसी की नजर में अच्छे थे वाह, तो किसी की नजर में बूढ़े थे वाह, किसी की नजर में अच्छे थे तो किसी की नजर में बूढ़े थे, हकीकत में जो जैसा था उसकी नजर में हम वैसे थे। वाह वाह वाह। अगर आप लोग मैच जीत जाते हैं तो आप अपने साथ स्टेडियम में किसको देखना चाहेंगे सेकंड नंबर पे? एचएमएच कब की बात हो रही है? एचएमएच की बात। मरियम तुमसे पूछूंगा, उस्मान भाई आपसे बाद में पूछूंगा। मरियम अगर आप जीत गए तो सेकंड नंबर पे कौन होना चाहिए? मैं तो कहती हूँ फर्स्ट नंबर पे उस्मान को होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपने अभी से हार मान ली। वेरी गुड कायना, सेकंड नंबर पे किसको देखेंगी अगर खुद अपने आप को फर्स्ट देखेंगी? उस्मान भाई। उस्मान भाई को, उस्मान भाई को। हीरा आप अगर फर्स्ट आ गए तो सेकंड नंबर पे आप किसको देखना चाहिए? मरियम। मरियम को देखना। रजाक भाई अगर आप फर्स्ट आ गए, इतना बुरा गेम हमने बना लिया कि आप फर्स्ट आ गए तो किसको सेकंड नंबर? ये हो ही नहीं सकता क्या? फर्स्ट आए अभी आप लास्ट वर्ल्ड कप में T20 वनडे के फर्स्ट आए तो अगर आप आ गए तो सेकंड कौन आए? कायनात को फर्स्ट देंगे। वेरी गुड। उस्मान भाई आप फर्स्ट आ गए समझे, तो सेकंड कौन होना चाहिए? यार आप आ जाओ सेकंड, आप अच्छे हो। मैं क्यों सेकंड आऊंगा, मैं खुद अपना फर्स्ट चलूंगा। मरियम आप कह रही हैं उस्मान भाई, कायनात कह रहे उस्मान भाई, हिरा कह रही है मरियम, रजाक भाई कह रहे हैं मैं खुद फर्स्ट नहीं आ सकता तो सेकंड क्या आऊंगा? वेरी गुड। तो अब वक्त आ चुका है इनसे पूछते हैं और कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद आसिफ अली। क्या करते हो आसिफ? प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। सवाल? गजल लिख के लाया हूँ आपके लिए एक। मेरे लिए? बताओ, छोटी सी होनी चाहिए लेकिन। दीदावर को मंजरों की खुशनुमाई चाहिए। वाह। दीदावर को मंजरों की खुशनुमाई चाहिए, हमको तो बस उसकी आंखों तक रसाई चाहिए। वाह वाह। हाथ में जब हाथ बाहम और आंखें मुत्तसिल, हाथ में जब हाथ बाहम और आंखें मुत्तसिल, फिर वो मुझसे बोले यूं के क्या तबाही चाहिए। वाह वाह। 1600 है उसके आशिक और अंधी फॉलोइंग। 1600 है उसके आशिक और अंधी फॉलोइंग। अब भी तू पूछेगा मुझसे क्यों जुदाई चाहिए। वाह वाह। तू जो जाना चाहता है बज़्मे ताबिश में अली। वाह। तू जो जाना चाहता है बज़्मे ताबिश में अली, एक आध अच्छी गजल तुझको भी आनी चाहिए। वाह बड़ा बहुत अच्छा है। वेरी गुड। तीन लड़कियां पैनल पे मौजूद है, गजल मेरे लिए। देख लो। अब चेक करो। देख लो। नूर चेहरे पे इतना ही मेरे। अगला कौन? थैंक यू बेटा, लव यू। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? रफीउल्लाह खान अफरीदी और मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के सबसे खूबसूरत जिला स्टोर से। सवाल आप और रज़ाक भाई और तमाम उनसे मेहमानों से है कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान जितना खूबसूरत है वहाँ पे नेचुरल जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, नेचुरल ब्यूटी है प्ले ग्राउंड, 10,000 फीट की बुलंदी पे, 13,000 फीट की बुलंदी पे, वहाँ पे पुलू फेस्टिवल्स होते हैं, फुटबॉल होता है, दिगर मैचेस होते हैं, मगर क्रिकेट क्यों नहीं होता है? क्यों भाई? सवाल आपने एक बार ये काम शुरू भी किया था रज़ाक भाई, अभी जो आपके मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हुए थे इस्लामाबाद, तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो क्रिकेट ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे और ट्रायल बेस पे एकेडमीज बनाना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो हम जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं अगर विजिट करते हैं वहाँ पे डेफिनेटली वो फिर पैशन डेवलप होगा। रज़ाक भाई आप एक वेटरन्स की टीम बना के गिलगित जाएं ना, वहाँ पे बहुत शौकीन है क्रिकेट के, खेलें वहाँ पे मैच जाके यार। बस थोड़ा सिक्योरिटी का भी है इशू और अगर कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर आती है तो फिर डेफिनेटली हम जाएं। हाँ हाँ सर, गिलगित की जो जुबान है मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, क्या कहते हैं उसको? शीरा। हाँ शीरा, शीरा उसके अंदर आई लव यू बोल दें सर,
मुझे मुझे सिर्फ एहतियात से, भाभी भी आएंगी इसलिए। मुस्तुर लाइक खुश तुम उस, ये आई लव यू ही है ना सर। इसके अंदर हल्का सा एलिगेटर लग। तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेरी तरफ से सेम टू यू, लव यू सर। एक वक्त हुआ छोटा सा ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। हजरात थैंक यू, वेलकम बैक टू हारना मनाए, वेलकम बैक टू हारना मनाए। वक्त आ चुका है भाई कि कर्शी जामशीरी का सवाल पूछा जाए, ऑडियंस को गिफ्ट दिया जाए। कर्शी जामशीरी का सवाल ये रहा, पीएसएल का इफ्तिताह किस साल में हुआ? हाथ खड़े करने, जवाब नहीं देना, सिर्फ हाथ खड़े कर ले। पीएसएल का इफ्तिताह किस साल में हुआ? जामशीरी, कर्शी जामशीरी का सवाल। भाजन आप नौशे मियां, आप बताए जवाब। भाई क्या आपके पास? ये ले, बीच में रुका था बट हुआ था 2016 में। 2016 राइट आंसर है भाईजान, आ जाओ आ जाओ। शादी का तोहफा, शादी का तोहफा ये लो भाईजान, थोड़ा माइक कर लो, भारी है थोड़ा, संभाल के जाना। और ये तो नहीं होगी ना मुंह दिखाई, सही टाइम नहीं देता, दे दिए ना आप, ये भी भाभी को देना। जाओ शाबाश, थैंक यू मेरी जान जी, तालियां बजाएं इनके लिए, इसको नजला होगा। आई थिंक आज आपके लिए भी तालियां होनी चाहिए। नहीं नहीं अपना तो इसके पैसे मिलते हैं। नहीं यार आपकी तबीयत बहुत खराब है और आपने बहुत अच्छा शो किया। थैंक यू भाई, वक्त आया है एचएमएच कप का विनर तलाश करें। मरियम और रजाक भाई का मैच था, जिनको लगता है मरियम नफीस जीती है वो तालियां बजाए, जिनको लगता है रजाक भाई जीते हैं दिखाओ गए कौन जीता है। जल्दी से कल मैच है लाहौर इस्लामाबाद वर्सेस पिशावर, कौन जीतेगा आसमान में जल्दी? इस्लामाबाद, पिशावर, पिशावर। खादी रजा हाल नबला के वक्त एक इंतजाम को पहुंचता है, कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।